हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में। अब तक सीरियल के मेकर्स को हम लोग जो है अक्सर कमेंट में और सोशल मीडिया पर गालियां दे रहे थे कि आखिरकार फर्स्ट सीजन को ही सेकंड सीजन में चिपकाकर मेकर्स करना क्या चाहते हैं। पर फाइनली आज आप कमेंट सेक्शन में शुक्रिया लिखी दीजिए और धन्यवाद लिखी दीजिए मुझे नहीं बल्कि सीरियल के मेकर्स को, बिकॉज सीरियल के मेकर्स ने फर्स्ट सीजन से सीन तो बहुत सारे उठाए हैं, बहुत सारे के सारे ही उठाए हैं, लेकिन अब कुछ पॉजिटिव सीन को भी उन्होंने जो है सेकंड सीजन में जगह दे दी है और आने वाले एपिसोड में आप इन पॉजिटिव और कमाल के हैपनिंग सीन को देख पाएंगे। अब देखिए, यहां पर आने वाले एपिसोड में आपकी वो सारी यादें ताजा होने वाली है जब सई जो है वो विराट के घर पर जाती है और यहां पर भवानी काकू जो समाज के सामने बड़ी आमदार बनी फिरती थी उनके कारण उन्हें पूजा में भाग लेना पड़ता है और बड़ी ही अच्छी तरीके से जो है दोनों साथ में पूजा करते हैं। हालांकि बहुत सारी लड़ाई झगड़े और काफी सारी चीजें इसके बीच में होती है और यहां पर सीन ऑल ओवर काफी एंटरटेनिंग निकलता है बिकॉज सई और विराट दोनों साथ में हमें नजर आते हैं, दोनों के बहुत कमाल के मूवमेंट्स भी नजर आते हैं। अब ठीक यही जो है सभी और ईशान के साथ भी आने वाला एपिसोड में है बिकॉज शादी हो चुकी है और पुरानी परंपराओं और पूजा पाठ का समय आ चुका है और लक्ष्मी जी की पूजा जो है यहां पर जोड़े को साथ में बैठकर करनी है। अब यहां पर घर वालों की बेइज्जती भले ही समाज के सामने क्यों ना हो गई हो, लेकिन अब उन सारी चीजों को सुधारने के लिए भगवान के हाथ तो जोड़ने ही पड़ेंगे, भगवान के आगे तो सर झुकाना ही पड़ेगा। और भोसले परिवार के लोग सभी और सच्चाई के आगे झुके या ना झुके, लेकिन भगवान के आगे जरूर झुकते हैं। और यहां पर जो है आने वाले एपिसोड के अंदर सभी और ईशान दोनों साफ इनकार कर देंगे कि हम ये कोई पूजा वगैरह नहीं करने वाले हैं बिकॉज जब इस शादी को हम लोग मानते ही नहीं है तो भला क्यों हम लोग इस शादी को माने और आखिरकार फिर से कोई तमाशा होगा, इससे अच्छा ये पूजा करवाते ही नहीं है। अब यहां पर अक्का साहेब, यशवंत और बाकी सारे लोग जो है वो कहने वाले हैं कि घर के परंपरा है, रिवाज है, इन्हें तो अपनाना ही पड़ेगा चाहे आप कुछ भी कर लो। अब यहां पर सभी जो है इस पूजा के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी और ये सभी के लिए काफी सरप्राइजिंग होगा कि आखिरकार ये लड़की मान कैसे गई। और ईशान भी यहां पर घर वालों के दबाव में आकर इस पूजा के अंदर आने वाला है, ये चीज बिल्कुल कंफर्म है। अब देखिए, यहां पर ये पूजा बिल्कुल आपको उस तरीके से देखने को मिलेगी जहां पर ऑफिशियली सभी और ईशान जो है वो पति पत्नी के रूप में जो है पूरे समाज के सामने आने वाले हैं, क्योंकि रिसेप्शन पर तो काफी सारा रायता उन्होंने फैला दिया था पर फाइनली इस पूजा पाठ के माहौल के अंदर नेगेटिविटी थोड़ी कम होने वाली है और पॉजिटिविटी की वाइब हमें बहुत कुछ आने वाली है बिकॉज यहां पर सई और विराट की तरह ही छोटा सा फोटोशूट सेशन भी हमको देखने को मिल सकता है और काफी सारे इंटरेस्टिंग चीजें जो है इस पूजा के अंदर हमको देखने को मिल सकती है। बट शॉकिंग ट्विस्ट यहां पर कुछ ऐसा होने वाला है कि ईशान जो रीवा को पट्टी पढ़ा कर आया है दोस्ती की कि वो बहुत अच्छी दोस्त है और इसी नाते वो घर में वापस आ सकती है बिकॉज घर वाले उसे काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं और हमारी रीवा जो है मुंह उठा के घर पर पहुंच भी जाएगी और यही होने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट बिकॉज उसे लगने वाला है कि एक बार फिर से इन्होंने मुझे बुलाया तो सही, लेकिन केवल और केवल इस कारण से ताकि वो दिखा सके कि देखिए हम दोनों मिलकर पति पत्नी के रूप में ये पूजा कर रहे हैं और उसे वो चीजें जो है बहुत ही गलत जाने वाली है और रीवा यहां से टोटली नेगेटिव टर्न होते हुए आपको नजर आएगी, क्योंकि यहां पर केवल और केवल सही सभी ही नहीं बल्कि वो ईशान को भी गलत समझने वाली है बिकॉज हम सभी को पता है कि फर्स्ट सीजन के अंदर भी पत्र लिखा और सही की जो है बॉन्डिंग पहले स्टार्टिंग भी ठीक थी, दोनों ही एक दूसरे के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ी तो पत्र लेखा पूरी तरीके से नेगेटिव टर्न हो जाती है। अब वैसा ही यहां पर रीवा के साथ है, रीवा जब इस पूजा में पहुंचने वाली है तो उसे तमाम बातें याद आने वाली है सभी की जो उसके घर पर आकर सभी ने कही थी और उसके बाद ईशान आकर जो दोस्ती की दुहाई देता है वो भी उसे याद आने वाली है। ऑल ओवर रीवा के माइंड में ये माइंडसेट तय होने वाला है कि इन लोगों ने जान पूछ कर किया ताकि मुझे भोसले परिवार में लाकर ये दिखा सके कि वो दोनों पति पत्नी है, वो परंपरागत रूप से लीगली कानून के नजरों में हर तरीके से पति पत्नी है और वो एक आउटसाइडर है। ऐसे में यहां पर रीवा पूरी तरीके से टर्न होते हुए नजर आएगी आपको नेगेटिव में और खासकर सभी को लेकर जो है उसका ये माइंड दौड़ने वाला एक गलत दिशा के अंदर कि सभी ने जान पूछ कर मुझे बुलाया था ताकि मेरा अपमान हो सके और ईशान भी इसके जाल में फंस चुका है। अब यहां पर अक्का साहेब हो, रीवा हो, बाकी सब लोग हो, यहां पर पूरी तरीके से जो है
वो यहां पर ये सोच रहे हैं कि सभी ही गलत है। अब आज के एपिसोड के अंदर जो है सीरियल के मेकर्स ने एक और कंफ्यूज करने वाला काम हम लोगों के सामने कर दिया, जहां पर अक्का साहेब रीवा को घर के अंदर रखना चाहती है बिकॉज उनको लगता है कि एक टाइम के बाद रीवा और ईशान का फ्यूचर है, भविष्य है। लेकिन वहीं पर जब सभी आज के एपिसोड में कहती है कि जब तक मैं इस घर के अंदर हूं तब तक तो आप लोगों को समझना होगा, तो यहां पर अक्का साहेब बड़ी हैरान होकर पूछती है कि जब तक हूं इसका क्या मतलब है। यानी कि अक्का साहेब एक तरफ तो चाहती है कि सभी घर की बहू बनकर रहे तो हमेशा के लिए रहे, लेकिन दूसरी ओर उनका पॉइंट यह है कि रीवा भी घर में ही रहे, तो यहां पर रीवा को किस बेस पर वो घर के अंदर रखना चाहती है, आखिरकार उसका रिजल्ट क्या है। अब यहां पर यह चीज तो सीरियल के मेकर्स को क्लियर करनी ही होगी, चाहे वो आज करे, कल करे, परसों करे, कभी भी करे, लेकिन जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी कि अक्का साहेब चाहती क्या है, वो क्या पत्र लेखा की तरह ही जो है विराट की शादी का पत्र लेखा से कराना चाहती है, या फिर यहां पर वो रीवा की शादी अब जो है नए सीजन के अंदर वो ईशान से करवाना चाहती है सभी को बाहर निकलवाकर। अब या तो उन्हें सभी को रखना चाहिए पूरी तरीके से कि हाँ भाई बहू है तो इसको रीति रिवाज सिखाओ, कॉलेज वगैरह बंद करवाना है वो करवाओ, उसके लिए भले ही चाले साजिशें करो, या तो एक पॉइंट पर आप काम कर सकते हो, या फिर दूसरे पॉइंट पर रीवा को यहां पर घर की बहू बनाना है तो सभी को घर से बाहर निकालो। दो ही चीजें यहां पर हो सकती है, लेकिन सीरियल के मेकर्स फिलहाल कहानी को उलझा कर बैठे हैं बिकॉज यहां पर यही ट्विस्ट देता है, बिकॉज अगर सीरियल के मेकर्स कहानी को सुलझा देंगे तो रीवा का घर में रहने का कोई पॉइंट ही नहीं बनेगा, और रीवा के बिना फिलहाल सीरियल के मेकर्स के पास कोई तरीका नहीं है कहानी को खींचने का, और सीरियल के मेकर्स पूरी तरीके से इसका यूज भी कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि स्टोरी खराब हो रही है, होने तो ट्विस्ट से मतलब है वो तो नजर आ ही रहा है, लोग एंटरटेन तो हो ही रहे हैं, टीआरपी दूसरे नंबर पर है ही है। लेकिन देखो यार सच बताऊं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही चलता रहा ना फर्स्ट सीजन की एकदम कॉपी करते रहना मेकर्स, और यहां पर इसी तरीके से कहानी को उलझा कर रखा, मतलब बिना सर पैर की कहानी चली, तो टीआरपी भला कितने ही दिन तक सेकंड पोजीशन पर स्टैंड कर पाएगी। लोगों का प्यार भरपूर सीरियल को मिल रहा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका गलत फायदा उठाया जाए। वेल आप लोगों की क्या ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना फटाफट से, कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऑल न्यू एपिसोड के अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।